वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो बुक के आपका पार्ट टू जो मुकेश वाला है, यानी हमने साहिब वाला पार्ट पढ़ लिया था, मुकेश वाला पार्ट यानी पार्ट टू में हम आज सीखने जा रहे हैं। साथ ही उन सारी लाइंस को हम आपको बताने जा रहे हैं हाईलाइट करके, जहां से आपके क्वेश्चन आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट वन में जहाँ से रोका था वहाँ से आगे पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। जो मुकेश है उसमें और साहिब में बहुत अंतर है। मुकेश स्वयं का स्वामी होने पर जोर देता है। मैं एक मोटर मैकेनिक यानी मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा, वो ये घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, I asked, मैंने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मैं कार चलाना सीख लूंगा, वो उत्तर देता है सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। उसका स्वप्न मेरे यानी मृग मरीची का, यानी कि ऐसा काल्पनिक धोखा जो सच नहीं है, कि भांतिया के समान फिरोजाबाद नामक उसके शहर की गलियों में धूल के बीच अस्पष्ट दिखाई देता है। यह शहर यहाँ की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है जो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में एंगेज्ड यानी जुड़ा हुआ है, संबंधित है, बनाने लगा है क्या चूड़ियां। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सीम्स। यह शहर जो फिरोजाबाद है, यह भारत के कांच धमन यानी कांच को आकार प्रदान करने वाला कारखाना उद्योग का केंद्र है, जहाँ के परिवारों ने कई पीढ़ियाँ भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए या यूँ कहें कांच जोड़ते हुए तथा देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए व्यतीत करती है, बिता दी है, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है जो चूड़ियां बनाते हैं। नन ऑफ देम नो डेट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर्स, इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डेयर द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक ही था। उनमें से कोई भी यह बात नहीं जानता है कि उस जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापक्रम वाली भट्टियों में, गंदी अंधेरी कोठरियों में जहाँ हवा एवं रोशनी का अभाव है, काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है, कि अगर कानून को एनफोर्स्ड लागू किया जाए तो वह उसे तथा उन सभी 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर दिन रात काम करते हैं और ओपन लूसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और साथ ही उनकी आंखों की जो चमक होती है, रोशनी होती है, उसे भी गंवा देते हैं। यानी कि वो फिर उसके बाद देख नहीं पाते हैं बहुत ही कम उम्र में ही। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सीज इज बीइंग रीबिल्ट। मुकेश की आंखें प्रसन्नता से चमक उठती है जब वो मुझे उसके घर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है।
जो वो गर्व से कहता है कि उसे दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स डेट रिमेन हॉवेल्स विद क्रमलिंग वॉल्स वोबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट। ये यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जहाँ पर मुकेश रहता है या फिरोजाबाद का जो रहन सहन है उसका वर्णन कीजिए, तो एक तो चूड़ियों वाला हम लिख देंगे और साथ ये जो मैंने पढ़ा ये भी यहाँ पर आएगा ऊपर के पैराग्राफ के साथ, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। इसे विशेष ध्यान से आप अंडरलाइन कर लें, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस चीज़ को, क्योंकि उसके बारे में पूछा जाएगा कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की गलियाँ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब वह मुझे उसके घर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है यानी मुझे वो घर ले जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ जाते हैं। अब कहाँ से गुजरते हैं हम, दुर्गंध से भरी कचरे से अटी पड़ी गलियों में चलते हैं, उन घरों के पास जो टूटी हुई दीवारों वाली गंदी झोपड़ियाँ हैं, जिनके दरवाजे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ओबली डगमगाते हैं होवेल यानी टूटी फूटी झोपड़ियाँ हैं, डगमगाने वाले हैं, और इसके अलावा जो खिड़कियाँ हैं वो भी उनमें नहीं है, बिना खिड़कियों के हैं, तथा वहाँ पर इंसान और जानवर परिवार प्राइमल यानी पुराने ज़माने के आदिम युग की भांति साथ साथ जीते हैं, यानी अलग से रहने की स्थान नहीं है। स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद स्पुट एंड पुशेज इट ओपन। वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से डगमग करते लोहे के दरवाजों को बैंग्स धक्का मारता है और इसे धकेल कर खोल देता है। उस घर में हम अंदर जाते हैं। वी एंटर हाफ बिल्ट सेक, उस सेक यानी झोपड़े में अर्धनिर्मित कुटिया में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट विद डेड ग्रास इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ऐसे ही एक घर में प्रवेश करते हैं। थेस्ट का मतलब है यहाँ पर फूस का छप्पर का बनाया हुआ किसी जो सूखी घास होती है उसका, और सिजलिंग यानी छन छन की ध्वनि के साथ उबल रही है सब्जी यहाँ पर। तो वो कहता है कि इसके एक हिस्से में सूखी घास के छप्पर से ढका हुआ है, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें छन छन की आवाज़ के साथ स्पिनेच यानी पालक की पत्तियाँ उबल रही है। ये ध्यान दें, ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम यहाँ पर प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में और कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई है यानी अभी और सब्जी बनाई जाएगी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यानी कमज़ोर एक जवान युवा महिला सारे परिवार का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आँखों में धुआं भरा हुआ है और इससे उसकी आँखों में आंसू भरे हुए हैं और वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट इज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है फिर भी उसने परिवार की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पहले से ही उस पर तीन लोगों उसका पति मुकेश तथा उनके पिता की जिम्मेदारी है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ ये भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ क्या कस्टम है, क्या रिवाज है। वेन द ओल्डर मैन एंटर सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। ये ध्यान देना कि ये वहाँ रिवाज है घूंघट प्रथा का, कि जब अधिक उम्र का व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे
चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के निकट ले आती है, यानी कि वेल का मतलब होता है घूंघट निकाल लेना। तो ऐसा वो करती है, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं तो घूंघट निकाल लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ट बैंगल मेकर। इस मामले में जो वहाँ का जो बड़ा बुजुर्ग होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंगाल एवं शक्तिहीन व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत नहीं बचती है, वो बहुत कंगाल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट इज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल टू रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप में कि जो मुकेश के फादर थे वो बेंगल मेकर के पहले क्या थे, तो आप लोगों से इसका आंसर पूछा जा सकता है, तो आप बता दें कि वो इसके पहले एक टेलर थे। उन्होंने अपने दोनों जो पुत्र थे उनके उनको वो स्कूल नहीं भेज पाए। क्यों नहीं भेज पाए? क्योंकि गरीबी थी और उन्हें क्या सिखाया, एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वो अपने घर की मरम्मत कराने में असफल रहा और अपने दोनों पुत्रों को स्कूल भी नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। केवल वो उन्हें वो चीज़ सिखा पाया जो वो जानता था, और वो था कि वो उन्हें चूड़ी बनाना सिखा पाया, वही चीज़ वो जानता था। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश, ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। यह इनके अभाग्य है, नियति है, मुकेश की दादी बोलती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से उड़ती धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। कैन गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा लाइन इज यानी वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज उसका अर्थ है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। अब यहाँ पर वो कहती है कि चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। घर में अहाते में प्रत्येक दूसरे मकान में प्रत्येक दूसरे अहाते में उन्होंने और कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ स्पाइरल्स यानी मालाएं, बैंगल्स चूड़ियों की मालाएं, सनी गोल्ड पेडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कास्ट पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन। यहाँ पर वो कहती है कि चूड़ियों के मालानुमा बंडल चमकदार सुनहरे धान जैसे हरे नीले गुलाबी बैंगनी इंद्रधनुष के सात रंगों से जन्मे प्रत्येक रंग वाले बिना संवरे अहातों में बड़े बड़े ढेरों में पड़े होते हैं, चार पहियों वाली हाथ गाड़ियों में ढेर लगे होते हैं, और जिन्हें झोपड़ियों की शहर की सकरी गलियों में युवा लोग धकेलते रहते हैं। एंड इन द इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और इन अंधेरी झोंपड़ियों में टिमटिमाते दीपकों की ज्वालाओं की पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिताओं के साथ बैठे होते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों की गोलाकार आकृतियों में जोड़ते रहते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखों का समायोजन
बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे के साथ अधिक रहता है, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं, तो उजाले में उनकी आंखें अब एक तरीके से चकाचौंध हो जाती है। डेट इज वाई दे ओपन एंड अप लूसिंग देयर आइट साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वे प्राय अपनी आंखों की रोशनी वयस्क होने से पहले ही गंवा देते हैं। क्यों गंवा देते हैं? क्योंकि दिन रात वो इनमें काम करते हैं और इनमें काम करने से उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे उस कांच की डस्ट होती है और उस डस्ट में इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है उस पॉलिश से। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। सविता एक युवती एक भद्दी गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग महिला के निकट बैठी हुई है और कांच के टुकड़ों को जोड़ती है, सोल्डरिंग करती है, टांका लगाती है, जोड़ती रहती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन आई वंडर इफ सी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मैक। उसके हाथ मशीन के चिमटों की भांति यांत्रिकता के साथ चलते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे यह पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग। ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक मानी जाती है चूड़ियाँ, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये क्या महत्व है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज और विवाह में तो ये बड़ी ही शुभकारी होती है, पवित्र होती है, और उसे नहीं पता ये चीज़। अब यहाँ पर इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ट्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। और जब एक दिन ऐसा आएगा अचानक जो उसे मालूम होगा, जब उसका सिर लाल रंग के घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल होंगे और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस बूढ़ी महिला के समान जो उसके पास बैठी हुई है जो वर्षों पहले ऐसी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उसकी हाथों में कलाइयों में चूड़ियां अभी भी हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक बार भी शेर भर यानी पेट भर खाना नहीं खाया, वह आनंद रहित स्वर में कहती है। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम डेट्स व्हाट सी हैज रेप्ड। उसने पूरे जीवन काल में आज दिन तक एक बार भी भरपेट भोजन नहीं खाया, यही फसल उसने काटी है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका पति एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैंने इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। उसकी बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है कि क्या उसने वो पा लिया है जो अन्य कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहे हैं। उसके सिर पर एक छत जो है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बेक मेकिंग बेंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। ये देखिए आप, चूड़ियों बनाने वाले जितने भी लोग वहाँ पर
वो एक क्राई, एक चीख आपको, एक कराहट दुख की हर घर में मिलेगी कि हमारे पास धन का अभाव है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, चूड़ियाँ बनाने के काम को करने के अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। ये बात हर घर में ये चीख आपको गुंजायमान मिलेगी, वहाँ पर गूंजती हुई मिलेगी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और युवा लोग अपने बड़ों से जो उन्हें विलाप मिला है, जो भी साप मिला है उसे दोहराते हैं, यानी कि उन्हीं के दुख भरे दिनों को आगे बढ़ाते हैं, वही कर्म आगे करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव आया है, यानी यहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. बरसों से mind-numbing यानी मस्तिष्क को जगजोर देने वाले, वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत ने उनके initiative यानी पहल करने की सारी क्षमता तथा स्वप्न देखने की उनकी सामर्थ्य को मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ जो उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके पिताओं तथा पूर्वजों को पहले भी फांस लिया था। Even if we get organized, अगर हम संगठित हो जाते हैं, we are the ones, तो हम सबसे पहले वो रहेंगे who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say, तो हमें पुलिस खींच कर ले जाएगी और हमें घसीट लिया जाएगा, hold up, और पीटा जाएगा तथा जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि हम कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे हों, ऐसा उन्हें लगेगा कि हमने कोई गलत कार्य किया है, जैसे वे कहते हैं देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा भी कोई नहीं है जो इन परिस्थितियों को अलग तरीके से देखे, ऐसा मार्गदर्शक उनके बीच में कोई भी नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता थे वो भी उतने ही थके हुए थे जितने ये हैं, यानी कि संघर्ष कर करके वो सब थक गए हैं, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे अंतहीनता यानी लगातार उसके साथ बोलते हैं, उत्तरोत्तर बोलते चले जाते हैं, गरीबी से उदासीनता, अपाति यानी उदासीनता, उदासीनता से वो लालच तथा अन्याय के बारे में बात करते हैं। Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the saukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Most important paragraph ये, इसको जरूर से आप लोग भी underline कर लीजिए। उनकी बातें सुनते हुए मुझे दो दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी है तथा जन्म की जाति के कलंक से दबी हुई है, स्टिग्मा यानी कलंक, तथा दूसरी दुनिया है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों तथा राजनेताओं की कुचक्र की दुनिया से। इन्होंने इनको पूरा कुचल रखा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इन सब ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, जब तक कि वो थोड़ा सावधान होता है, समझने लगता है, उतने ही स्वाभाविक रूप से वो इसे स्वीकार कर लेता है,
जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने उसे स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने का मतलब आँख दिखाना, चुनौती देना माना जाता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसके पनपने उसके पलने बढ़ने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने मुकेश में इस बात की थोड़ी सी चमक देखी तो मैं प्रसन्न हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स, वह दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक एक मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और काम सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर इस बात को कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो, एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और जमीन पर घूरते हुए वो कहता है कि नहीं। इन इज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बरेसमेंट डेट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, और उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में एक लज्जा का भाव है जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डेट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। मुश्किल दे के यहाँ पर वो कहता है कि वो कंटेंट है, संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के बारे में स्वप्न देखकर वो संतुष्ट है, और जो कारें वो देखता है हर्टलिंग यानी तेज गति से दौड़ती हुई उसके शहर में, क्योंकि फिरोजाबाद में हवाई जहाज तो बहुत कम उड़ते हैं, इसीलिए वो केवल मात्र वही सपना देखता है जो सच है, जो हकीकत है, जो संभव है। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और इन लिंक्स से आप वीडियोस के माध्यम से इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लीजिए। अगले चैप्टर के साथ फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक यू।